हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। पाइथन प्रोग्रामिंग में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, देखिए यहां पर एक लिस्ट बनाई है हमने। अब ये जो लिस्ट है वो रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स है, देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम हमने दिए हुए हैं सिंगल इंटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर पॉपअप मेथड का यूज करें और पॉपअप को समझें कि ये काम कैसे करेगा। तो यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट डॉट पॉप लिख देता हूं, पॉप, ठीक है। और यहां पॉप में लिख देता हूं वन। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वन लिखा है हमने। वन लिखने का क्या मतलब होता है, वन लिखने का मतलब ये है कि निधि के बाद वन सचिन है, तो सचिन को ये छोड़ करके राम को प्रिंट कर देगा, यानी निधि और राम को प्रिंट करेगा। तो क्या इसमें सच्चाई है, आइए एक बार देखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिंट करा देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स है, इसी को प्रिंट करवाना, एक बार रन करवाते हैं, देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो जैसे ही रन करवाया हमने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन लिखा है, हमने वन लिखा है, यानी इसमें से एक स्किप कर रहा है, ये निधि के बाद सचिन को स्किप कर दे रहा है, बाकी सब प्रिंट करवा के हमें दे दे रहा है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि निधि के बाद सचिन को स्किप करेगा क्योंकि सचिन वन पे है ना, तो इसको स्किप कर देगा। अच्छा, यहाँ पे टू लिख दे तब क्या होगा, अब देखिए अगर मैं यहां पे टू लिखता हूं, ठीक है, ये टू लिख दिया। अब टू लिखने के बाद इसको रन करवा दिया, तो जैसे ही टू लिखा तो आप देखेंगे निधि के बाद सचिन आ रहा है, फिर कुंदन आ रहा है, राम को इसने स्किप कर दिया, देख सकते हैं कि नहीं। अगर मैं यहां पे थ्री लिख देता हूं तब किसको स्किप करेगा, तब कुंदन को ये स्किप कर देगा। तो देखिए कुंदन को छोड़ करके बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे, देखिए ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो पॉपअप जो है, पॉप जो है, कुछ इसी तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है कि नहीं। तो अभी इसमें क्या करते हैं, यहां पर अगर मैं 3,2 दे देता हूं तब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये लिखा हुआ है 3,2, अब ये अगर मैं रन कराता हूं तो हमें आएगी एरर, ऐसे कंडीशन में हमें एरर आएगी, यहां पर आप कॉमा दे करके नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। आप कुछ भी दे दीजिए, यहां पर 5 दे देंगे तो यहां पर अगर रन करवाते हैं तो देखिए यहां पर फिर एरर आएगा क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4 तक है ही है, 5 तो है ही नहीं। तो यहां पर अगर 4 दे देंगे तब क्या होगा, तो ये 4 दे दिया हमने, अब यहां पर इसको रन किया हमने, तो देखिए लास्ट वाला क्या है, सीमा, सीमा को छोड़ करके बाकी सब प्रिंट कर देगा, लेकिन सीमा को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि सीमा जो है 5 नंबर पे है। और यहां 0 से काउंटिंग हम शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो ये तो 4 नंबर पे है, ठीक है, 4 नंबर पे है ना, तो 4 ही तो यहां लिखा हुआ है, यानी कुल मिला के 5 हो गया। अगर 1 से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 4 होगा, तो 4 पे सीमा है, तो सीमा को ये स्किप करेगा। कुछ इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।